तो हमारे बीच में हमारे हरदिल अजीज मेहमान है साईनाथ टकले साहब उर्फ भाव, जो कि युवा नेता और कौशा गांव के समाज सेवक है, हमारे बीच में उपस्थित है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुंद्रा यूनिटी कप 2022 में। एक बार ताली हो जाए हमारे। तो दोस्तों, चार दिन से बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर मुंद्रा यूनिटी कप 2022 मलिंगा के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्य अतिथि इनके मार्गदर्शन में, हमारे सभी स्पॉन्सर्स के मार्गदर्शन में खेला गया। गणेश मात्रे को कौन भूल सकता है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मुंद्रा में। काफी साल पहले आपने देखा था इन्हें जॉली बॉयज में खेलते थे, तो बहुत ही सफल टूर्नामेंट थे। एक बार ताली हो जाए इस टूर्नामेंट के लिए। तो बिल्कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में, और सिर्फ एक ही टीम थी जो विजेता बन सकती थी, लेकिन काफी सारे प्राइजेस है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इरशाद भाई के हाथों से, शुभ हाथों से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का फोर्थ प्राइज दिया जाएगा। तो फोर्थ प्राइज है इस टूर्नामेंट में, जिस टीम ने जीता है, टीम है समीर 11। तो टीम समीर 11 के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्टेज पर आना है। हमिद भाई जाकर भी प्लीज आप भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, स्टेज पर आ जाए प्लीज। तो आवाज भी आ रही समीर 11 के लिए। समीर 11 के प्लेयर्स नहीं लग रहा था। यस, बहुत ही अच्छे खेला, बिल्कुल विजेता भी नहीं की बन सकती थी, लेकिन यहाँ पर जीता है, यहाँ पर इन्होंने फोर्थ प्राइज फॉर दिस टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का थर्ड प्राइज, सेकंड रनर अप की ट्रॉफी जिस टीम ने जीती है, उसका नाम है टीम आजमी टाइगर्स। तो टीम आजमी टाइगर्स के कप्तान पापा, तो पापा शाकिर नवा प्लीज तू ना आ जाओ, प्लीज यहाँ पर स्टेज पे आ जाओ। फराज भाई की शुभातों से दी जा रही है सेकंड रनर अप की ट्रॉफी। तो क्या जबरदस्त मुकाबला था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। टीम केदार 11 के सामने हार का सामना करना पड़ा टीम आजमी टाइगर्स को। बिल्कुल एक दावेदारी पेश की थी फाइनल के लिए, बट हार लाके बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला टीम आजमी टाइगर्स ने। वो टीम है जिसने प्रवेश किया था फाइनल में, तो बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। तीन दिनों में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका, और उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया था। फाइनल में जरूर हार का सामना करना पड़ा। तो वो टीम फर्स्ट रनर अप ऑफ दिस टूर्नामेंट, और वो टीम बनी है टीम कोकन 11। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए टीम कोकन 11 के लिए। पूरी टीम, मैक्सिमम टीम यहां पर आना है। भाव के शुभातों से दिया जाएगा फर्स्ट रनर अप। हमिद भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, आप दोनों की शुभातों से दी जा रही है। और नदीम बाम ने, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। यस पांड्रे इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तुम भी सब एक बार ताली हो जाओ कोकन 11। ठंडा खेम है कोकन 11 का, कोई बात नहीं। अंसर का वो छक्का लगता है जरूर, फाइनल भी जीत सकते थे आप, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसके बाद इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन गेंदबाज किरण ने जीता था बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट, मलिंगा के शुरुआतों से जोड़ाएगा। तो विक्रांत प्लीज आपको यहां पर स्टेज पर आने हैं। गेंदबाज थे, लेकिन उस गेंदबाज की सूची में अव्वल नंबर यहां पर हासिल किया है टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए विक्रांत ने। यस, तो कांग्रेचुलेशन विक्रांत। इसके बाद इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, काफी सारे बल्लेबाज थे, राया के वो तीन छक्के, ध्रुवेश का वो लेग साइड का खूबसूरत छक्का, लेकिन सब बल्लेबाजों को बीट कर जिस बल्लेबाजी जीती है बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी। आवाज जोर से आने चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। यस मोरकाल, तो कांग्रेचुलेशन मोरकाल, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस रहा। भरत भाई की शुभातों से, तो भरत भाई आपकी शुभातों से मोरकाल को दिया जा रहा है पर बेस्ट बल्लेबाज, तो कांग्रेचुलेशन मोरकाल। सम्मान चाहिए अभी हम देंगे हमारे जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ थे। तो पहला नाम जब मैं लू ना, आवाज आना चाहिए छोटा सा बच्चा वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप स्टेज पे आना है। तो हमारे गेस्ट को बता दू, चार दिन से बहुत मेहनत करता है बच्चा, जिसके बदौलत कम से कम 50 बॉल बचे। और इनाम भी देंगे इरशाद भाई, बोलिए इरशाद भाई के घुटने के वर्ल्ड कप प्लेयर, जरूर एकदम बड़ा प्लेयर बनेगा इरशाद भाई, अगर बैठ भी जाएंगे तो उसके हाथ में नहीं बचेंगे। तो वर्ल्ड कप, और सेकंड है समीर को यहां पर सम्मान चिन्ह दिया
दिया जा रहा है। तो समीर प्लीज आपको भी आना है यहाँ पर। बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है, छोटा छोटा हाथ है लेकिन बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फराज भाई से, आपके शुभ बातों से यहाँ पर सम्मान छीन दिया जा रहा है बच्चों को। हॉस्पिटल के ओनर भी है दिनेश हीरामन पाटिल साहब, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रॉफीज दी और सबकी हौसला अफजाई की। इसके बाद सम्मान छीन दिया जाएगा सोहेल भाई। यस सोहेल भाई, चार दिन स्कोरिंग किया है, कमेंट्री किया है, जो भी काम दिया है वो किया है सोहेल भाई ने। सोहेल भाई आपको सम्मान छीन दिया जा रहा है यहाँ पर हमिद भाई के शुभ बातों से। इसके बाद सम्मान छीन दिया जाएगा तो मलिंगा आप दे सकते हो। ओके वासिम भाई प्लीज प्लीज। यस बोल दो ना एक बार। यस यस, टीसीएम टीम की तरफ से आसिम भाई को दिया जा रहा है यहाँ पर सम्मान छीन मलिंगा के शुभ हाथों से। तो टीसीएम जो कि हमारी यहाँ पर मीडिया संभालती है, आप ये प्रेजेंटेशन को भी लाइव बाद में देख सकते हो टीसीएम के यूट्यूब चैनल पर। तो हमेशा ही उनका योगदान रहता है कोई भी टूर्नामेंट में। इसके बाद एक आखिरी सम्मान छीन दिया जाएगा। बिल्कुल मलिंगा का मन नहीं है सम्मान चिन्ह देने का, वो चाह रहे एक सम्मान चिन्ह मैं भी लेके जाऊं, तो कोई बात नहीं मलिंगा। हमिद भाई प्लीज। और इसके बाद इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्राइज मैं भाव से रिक्वेस्ट करूंगा, भाव के शुभ बातों से दिया जाएगा इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्राइज। और इस टूर्नामेंट की विजेता टीम बनी है टीम केदार जोला। एक बार जोरदार ओवरलैप टीम केदार जोला भाई आपके शुभ बातों से। पूरी टीम है, पूरी टीम को आ रहा है प्लीज। वो प्रेजेंटेशन लाइव जा रहा है यूट्यूब पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी टीम को स्टेज पे आना है। टीम केदार पूरी टीम को आना है। टकलेश्वर उर्फ बाबू इनके शुभ हाथों से यहाँ पर फर्स्ट प्राइज ऑफ दिस टूर्नामेंट दिया जा रहा है टीम केदार जोला ही। रम्या जरूर खुश होंगे अपनी टीम को लेकर। जबरदस्त रहा है और बनी इस टूर्नामेंट मुंद्रा यूनिटी कप 2022 की विजेता भाई से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। आप खुद ही एक युवा नेता है समाज सेवक के, क्या कहना चाहोगे इस साल के टूर्नामेंट के बारे में? अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का, सभी मेहमानों का, तहे दिल से यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे नेक्स्ट टूर्नामेंट में। यस थैंक यू सर।